देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। इंडार में आज की कहानी हमारे शायद शेर की है आकाश जी ने। तो सबसे पहले आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आकाश जी बताते हैं कि ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए निकला। ट्रेन में तो वैसे ही हमेशा की तरह भीड़ और काफी शोर शराबा था। मैं अपने बर्थ पर चुपचाप बैठा मोबाइल देख रहा था क्योंकि मैं अकेला ही सफर कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता ट्रेन में भीड़ और शोर शराबा भी कम होने लगा था। रात के वक्त जब ट्रेन हरदोई क्रॉस करके मस्जिद के बीच पहुंचे तो उस वक्त भी मैं जाग ही रहा था। उसी दौरान मैं टॉयलेट के लिए उठा और वॉशरूम की ओर बढ़ा। बोगी के सभी लोग तकरीबन सो चुके थे सिवाय उन चार लोगों के जो बोगी के गेट पर बैठे थे। मैं उनके साइड से होता हुआ वॉशरूम चला गया और जब मैं वॉशरूम से वापस आ रहा था तो वो सभी अभी भी गेट के पास ही बैठे थे मगर वो आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ चुपचाप गेट के बाहर की ओर देखे जा रहे थे। वैसे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने सोचा उनसे पूछ ही लूं कि आखिर वो बाहर की ओर ऐसा क्या देख रहे हैं जो कि सब मूर्ति बन गए हैं। मगर मुझे लगा कि क्यों खामा खा की बात करूं, इसलिए मैं बिना कुछ उनसे बोले ही अपने बर्थ पर आया और पानी पीकर चुपचाप लेट गया। फिर मैं दूसरी बार तकरीबन 3 बजे दोबारा टॉयलेट जाने के लिए उठा। जब मैं टॉयलेट जा रहा था तो देखा कि अब वो चारों भी वहीं गेट पर ही सो गए हैं और सभी ने एक जैसा सफेद कपड़ा ओढ़ रखा है। मैं मन ही मन सोच रहा था ये लोग सच में बड़े अजीब हैं। खैर मैं फिर से एक बार उनके साइड से निकला और वॉशरूम चला गया। फिर जब मैं वॉशरूम से निकला तो वॉशरूम से निकलते ही मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि वो चारों लोग जो सफेद कपड़ा ओढ़े गेट पर ही सो रहे थे वो अब बहुत बुरी तरह से खून में लथपथ है। उनका वो सफेद कपड़ा अब लाल हो गया है और हर जगह खूनी खून फैला हुआ है। मैं वो दृश्य देखकर चीखे जा रहा था। मेरी चीख सुनकर कुछ लोग उठकर एकदम से मेरे पास आ गए और मुझे शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? पहले तो कुछ देर मैं सदमे में ही रहा और उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फिर जब उन्होंने मुझे पकड़कर खूब तेज से झंझोरा तब जाकर मुझे मेरा ध्यान उन पर गया। मैं उन्हें इशारा करते हुए कह रहा था, देखो ये सारे लोग अचानक ही खून में लथपथ हो गए हैं, ये मर गए हैं क्या? इस पर वो आदमी बोला, कौन लोग, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर जब मैंने बोगी के गेट की ओर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ना तो वो चारों आदमी और ना ही खून के एक बूंद भी थी। ये देखकर मैं शौक रह गया। अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था फिर? तभी मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। मेरी बात अच्छे से सुनने के बाद उस आदमी ने ही बताया कि यहाँ ठीक इसी जगह एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे। उन लोगों की लाशों को ऐसे ही ट्रेन में भरकर ले जाया गया था। शायद ये बोगी भी उन्हीं बोगी में से एक होगी। उसके बाद मैं पूरे रास्ते बहुत ही बेचैन रहा। लखनऊ उतरने के बाद मैं जब घर पहुंचा तो पूजा पाठ के साथ मस्जिद भी गया। फिर जाकर मुझे शांति मिली और दिल्ली से लखनऊ तक का ये सफर कभी ना भूलने वाला सफर बन गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।